और निवेदन करता हूं कि बहुत गंभीरता के साथ परमेश्वर के कलाम को हम लोग सुने। अपने अपने हाथों में बाइबलें ले लीजिए, चूंकि आप घर में ही हैं और जरूर आपके पास बाइबलें होंगी, तो परमेश्वर का कलाम अपने हाथ में ले ली। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, एक्सोडस एंड चैप्टर 10। क्योंकि 8वें और 9वें अध्याय तक हमने करीब करीब बातें कर ली थी, और आखिरी बात जो मैंने आपको छोड़ी थी वो ये था, मेरे लोगों को जाने दे, लेट माई पीपल गो सो दे कैन वर्शिप मी। मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। मैंने इसी पर बात छोड़ी थी कि प्रभु हमको कई बार फिरौन की दासत्व से, उसकी गुलामी से आजाद नहीं करता है, क्योंकि हम उसकी उपासना करने के लिए नहीं छूटना चाहते, हम तो किसी और काम के लिए छूटना चाहते हैं। लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं कि अपने भोग विलास में उड़ा दो, हमें मिलता नहीं है। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम सोचते हैं कि हम मांग रहे हैं हमको मिल क्यों नहीं रहा है, लेकिन मांगना भी उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपने अपनी उसकी इच्छा से इतर कुछ मांगा तो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि देने वाला तो वही है, देने वाला वही रब है। और जब तक आप उसकी इच्छा से नहीं मांगेंगे, आप दुआ यही करते हैं कि हम मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, अपनी मांग को एडजस्ट कीजिए, अपनी मांग को करेक्ट कीजिए और कहिए प्रभु मेरी मांग कहीं मेरी इच्छा की तो नहीं है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, ये उसकी इच्छा है। और एक नहीं, दो नहीं, 7 बार मूसा ने ये बातें दोहराई। मेरा विषय आज ये है कि कब तक आप अपने मन को कठोर करेंगे। ये पूरा वाक्य फिरौन का और मूसा के बीच में जो वाक्य है, वो फिरौन का हट और परमेश्वर का उसको नम्र और दीन बनाना, और ये पूरी घटना मेरे और आपके लिए है। कई बार हम लोग अपने हट की वजह से अपनी आशीषें खो देते हैं। यशाया की पुस्तक उसके 1वें अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है कि तुम बलवा करके और क्यों मार खाना चाहते हो। और ये मसीही लोगों के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है, और अगर हमें ताड़ना मिलेगी तो अपने पिता की ओर से मिलेगी। और कई बार हम लोग अपने हट की वजह से, अपने ईगो की वजह से, और कई बार ईगो जो है वो इसलिए हम नहीं छोड़ पाते हैं, घमंड इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि हमको संकोच होता है। हम लोग बहुत संकोची लोग हैं, आपको मालूम है हम लोग इंडिया में बहुत संकोची लोग हैं। हम यहां अमेरिका में हैं और यहां के लोग तो बिल्कुल संकोच नहीं करते। मुझे याद है एक बार मैं घर में था और हम थे और पास्टर थे, और हम लोग वो खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। तो पास्टर जो थे वो चॉकलेट ला करके वहां रख दिए, 4-5-10 चॉकलेट थी, तो एक वो खा रहे थे, एक हम खा रहे थे, हम लोग शतरंज खेल रहे थे। आखिरी में एक चॉकलेट बच गई। अब सोचिए वो घर वाले हैं, मेहमान हैं, तो आदमी हमेशा मेहमान को प्रिफर देता है, अरे ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। उन्होंने केवल एक बार हमसे पूछा आपको चाहिए ये आखिरी जो चॉकलेट बची आप खाएंगे? तो हमने भी संकोच में, हिंदुस्तानी आदमी, हमने कह दिया कि नहीं 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 कोई बात नहीं, क्योंकि मन मेरा था खाने का उसको, लेकिन संकोच में मैंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने तुरंत उठाया, रैपर खोला और खा गए उसको।
तब हमको समझ में आया कि भैया ज्यादा संकोच नहीं करना। मैं पहली बार आया यहां, एक घर में मैं था और ऊपर उन्होंने मेरे को ठहरा दिया, उनका डबल स्टोरी का मकान था। सोचिए, 2 दिन मैं भूखा रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि कोई आएगा, हम मेहमान हैं, हमारी हथजोड़ी करेगा, हमको गोदी में उठा के लेके जाएगा और खिलाएगा, जैसे हम लोग अपने मेहमानों के। वो कोई आया ही नहीं पूछने के लिए। वो तो दूसरे तीसरे दिन वो घर वाली जो थी, उन्होंने खबर भेजवाया अपने बच्चे से कि पूछो कि मुरार भैया को खाना वाना खाना है कि नहीं खाना है। और मैंने कहा, अरे हम भूख से मरे जा रहे हैं 2 दिन से। हम नीचे आए, हमने कहा कि सिस्टर हम तो भूखे हैं 2 दिन। तो कहे, अरे आपको आकर के फ्रिज में रखा हुआ, बनाओ ना के खाकर। हमने कहा बहुत अच्छा, यानी संकोच नहीं करना। आज संकोच की वजह से हम अपने घमंड से नहीं निकल पा रहे हैं, हम नम्र और दीन होना भी चाह रहे हैं, हम माफी भी मांगना चाह रहे हैं अगले से, हम अगले से मेल मिलाप भी करना चाह रहे हैं, मगर संकोच की वजह से। अब सुनिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 3री आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 3री आयत। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। ये जो संकोच है हम लोग का, इसकी वजह से बहुत सी आशीषें से हम वंचित रह जाते हैं। और परमेश्वर ने पूछा कि हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू वेट, कब तक तू संकोच करता रहे। तू नम्र होना चाहता है लेकिन तू संकोच करने की वजह से नम्र नहीं हो पा रहा है, हट कर रहा है और मार खा रहा है। आज बहुत सी विपत्ति हमारे हट की वजह से है। घुटने के बल हम जा नहीं सकते, हाथों को उठा नहीं सकते। हमको मन है हाथों को उठाने का, लेकिन संकोच, और संकोच किसका? बगल वाले का। और इसीलिए यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा उपाय बताया इसके लिए, कहा कि एक काम कर, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, किवाड़ को बंद कर ले, ताकि तेरा संकोच खत्म हो जाए। पब्लिक में हमको संकोच होता है, हम थोड़ा सा शर्माए रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी किवाड़ को बंद रखते हैं तो तेरा पिता जो गुप्त में है, अब पापा के सामने क्या संकोच कीजिएगा, और दिल खोल करके उससे अपनी बातें कीजिए। एक पापनी स्त्री थी। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ये संकोच प्रभु के सामने छोड़ देते हैं तो आप आशीषों के भागी होते हैं। कई बार आपको पब्लिकली एडमिट करना पड़ेगा कि यू आर रॉन्ग। एक पापनी स्त्री थी, यीशु मसीह दूसरे के घर में बैठे थे, सारे लोग जानते थे कि वो पापनी है। उसने कहा आज संकोच नहीं करेंगे, आज शर्म लिहाज नहीं करेंगे। तमाम शर्म को और लिहाज को उसने छोड़ दिया और चली आई दूसरे के घर में। वहां चेले बैठे हुए थे और सबने उसको कहना शुरू कर दिया, पापनी है, पापनी है, पापनी है। उसने कहा करो जितना तुमको हमको हरेस करना है तुम करो, लेकिन आज हम संकोच नहीं करेंगे। इस संकोच ने हमको हमारी बरकतों से दूर रखा है। और चली आई, अपने उस संगमरमर के पात्र को तोड़ दिया उसने और यीशु मसीह के कदमों पर रोने लगी, बिलखने लगी अपने पांव से। कोई सा, अरे क्या कर रही हो, लेडी हो तुम, ये कोई तरीका है? पब्लिक में इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, तुमको जरा सी शर्म नहीं आ रही है? ना बाबा, आज शर्म नहीं आएगी। हन्ना पहुंच गई मंदिर के अंदर बगैर संकोच के, लगी दुआ करने, ऐसी दुआ जिसके कोई लफ्ज नहीं थे, कोई संकोच नहीं किया। एली समझने लगा ये पी हुई है। आज हमारे संकोच ने हमको हमारी आशीषों से दूर कर दिया है। हम इतने शर्माए हुए
ऑल्टर पर आने में हमको संकोच होता है, हाथ उठाने में संकोच होता है, प्रभु से मांगने में संकोच होता है, और ये संकोच धीरे धीरे हमारा हट बन जाता है, हमारा घमंड बन जाता है, हमारा ईगो बन जाता है। हम तो नहीं गाएंगे, हम तो नहीं बजाएंगे, हम तो नहीं बोलेंगे। मित्रों, ये हमें हमारी आशीषों से दूर कर देगा। 12 साल से वो परेशान थी, उसको संकोच होना चाहिए था क्योंकि वो अशुद्ध थी, लेकिन बगैर संकोच उसने यीशु मसीह को घर नहीं बुलाया, प्राइवेटली नहीं बुलाया, आइए घर में आइए, आपके दामन को छुएंगे, बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे हमको। बिना संकोच किए हुए आज इस संकोच ने हमारी आशीषों को हमसे दूर कर दिया। एक और व्यक्ति था, उसका नाम बर्तुलमय था। लोगों ने संकोच करवाने की कोशिश की, शर्म करो, इस तरीके से चिल्लाते हैं। लिखा है कि लोगों ने डांटा और उसने कहा आज नहीं शर्म करेंगे, आज नहीं चुप बैठेंगे, मैं अंधा हूं, आज ये एडमिट करूंगा मैं, आज मुझे दया चाहिए, ये एडमिट करूंगा मैं, आज मुझको दवाई नहीं चाहिए, आज मुझको भीख नहीं चाहिए, जो मेरा प्रोफेशन है भीख मांगने का, आज वो नहीं चाहिए, आज मुझको यीशु की दया चाहिए। कभी कभी अपना ईगो छोड़ करके प्रभु के चरणों पर बैठ जाइए और उससे कहिए, प्रभु आज हम अपने संकोच को छोड़ करके, अपने शर्म और लिहाज को छोड़ करके मैं घुटने पर जाऊंगी प्रभु जी, मैं हाथों को उठाऊंगी प्रभु जी। औरतों से ज्यादा तो आदमी संकोच करते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, मैं हाथ उठा दूंगा, मैं घुटने पर जाकर के दुआ कर दूंगा, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरी बच्चियां क्या कहेंगी, मेरी वाइफ क्या कहेगी। कहीं ये संकोच हमको हट्टी तो नहीं बना रहा है, कहीं ये संकोच हमें मार तो नहीं खिलवा रहा है। आज दुआ कीजिए और कहिए, खुदावन हमें इस संकोच के पाप से बचाइए, क्योंकि ये संकोच आगे चल करके हट में बदल जाएगा, घमंड में बदल जाएगा, ईगो में बदल जाएगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। फिर आपके घुटने और भी कड़े हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, मुड़ेंगे नहीं। प्रभु के सामने नम्र हृदय, लिखा है कि टूटा और पिसा हुआ हृदय। अगर आपका हृदय टूटा और पिसा हुआ है, बगैर संकोच के प्रभु के चरणों में आ जाइए, बगैर संकोच के ऑल्टर पर आ जाइए, रोइए, हाथों को उठाइए, कहिए प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मुझसे गलती हुई है, कहने दीजिए लोग जो कहना चाहे, जिसको हम पर लांछन लगाना है लांछन लगाने दीजिए, मेरे को तो मेरी आजादी चाहिए, मेरे को तो मेरी दृष्टि चाहिए, मेरे को तो मेरा पापीपन हट करके विश्वासीपन चाहिए। और जब संकोच छूट जाता है मित्रों, तो आशीषें भंडार के रूप में हमारे पास आती है। बर्तुलमय जब उसने संकोच छोड़ दिया, पहुंच गया यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह ने पूछा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तूने जब अब संकोच छोड़ दिया, उसने कहा ये कि मैं देखने लगूं, मेरी नीड, मैं अंधा हूं, आज तक मैं प्रिटेंड करता था, मैं सोचता था अरे अंधा हूं क्या बात है, कोई बात नहीं, क्यों मेरे ऊपर हंसते। उसने कहा नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, आई एम ब्लाइंड। दुआ कीजिए खुदावंद से, खुदावंद अगर मैं तेरे वचन को देखने में ब्लाइंड हूं तो मुझे माफ कीजिएगा और मुझे वो दृष्टि प्रदान कीजिए जो सिर्फ आप दे सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड। वो पापनी स्त्री, उसने संगमरमर का पात्र तोड़ दिया, उसके कदमों को चूमने लगी, सब संकोच छोड़ दिया, और लिखा है वो पापनी स्त्री विश्वासनी होकर के गई। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। कई बार हम लोग अपनी परिस्थितियों में जाने से, वो बचाने बताने से संकोच करते। यीशु मसीह आए मार्था और मरियम के पास, बोले लाजर को कहां रखा, संकोच करने लगी, बोले सर वो उसमें से दुर्गंध आती है, वो सड़ गया है, वो बदबू कर रहा है। कई बार हम अपने लोगों से इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि हमको लगता है वो बदबू कर रहे हैं, वो दुर्गंध आ रही है। आज एक काम कीजिए, उनकी दुर्गंध को बर्दाश्त कर लीजिए, संकोच छोड़ दीजिए, और यीशु मसीह को लाजर की कब्र पर, अपने भाई की कब्र पर लेकर के चले जाइए और कहिए प्रभु वो यहीं पड़ा है। यीशु मसीह ने कहा कहां रखा है, कहां पड़ा है वो,
होगा, उस दुर्गंध उसके अंदर है, उसके अंदर बास आ रही है, संकोच हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, कहां लेकर के जा रही हो अपने यीशु मसीह को, अपने भाई के पास, चार दिन का मुर्दा, वो सड़ गया है, वो मर गया है। एक और था जिसने अपना संकोच छोड़ दिया और आशीषों का भागी हो गया। मैं उड़ाऊ पुत्र की बात कर रहा हूं, संकोच में इतने दिन तक संकोच में, लेकिन एक पल आया, उसने कहा आप संकोच जब तक करते रहेंगे हमें आशीष नहीं मिलेगी। उसने कहा मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। अरे उड़ाऊ पुत्र, संकोच नहीं है, तुमको शर्म नहीं है, तुमने वेश्याओं के पीछे अपना माल लुटा दिया है, तुम सुअरों के साथ रह करके आए, तुमको शर्म नहीं आ रही है, अपने बाप से जा करके क्या कहोगे, जो भी होगा देखा जाएगा, बाप बाप है। अपने प्रभु से संकोच मत कीजिएगा, दिल खोल करके उससे बातें कीजिएगा। अगर दूसरों के सामने नहीं कर सकते हैं तो अपनी कोठरी में जाइएगा, किवाड़ को बंद कीजिएगा और कहिएगा बाप मेरी बात अब आप सुनिए। मैं बहुतों के सामने ये बात नहीं कह सकता, बात नहीं कह सकती, मैंने अपने किवाड़ को बंद कर लिया है, लेकिन आज आपके सामने मैं संकोच नहीं करूंगा, मैं संकोच नहीं करूंगी। शर्म की वजह से हमारी आशीषें हमसे दूर होती चली जा रही। काश कि आज हम बोल्ड हो जाएं। लिखा है कि याओ के साथ उसके चरणों में आओ। ये वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी कमजोरियों में, हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में छुआ जा सकता है। संकोच करेंगे तो उसका दामन दूर दूर चला जाएगा, जब याओ करेंगे, बाइबल बार बार कहती है याओ बांध, डर मत। और वही चीज फिरौन के साथ हो रही थी। फिरौन संकोच कर रहा था, अरे मैं राजा हूं मेरा। और आपको मालूम है हालत ये हो गई थी, कई बार संकोच के चक्कर में बर्बादी बर्बादी। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे कि वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 7वीं आयत, निर्गमन 10 और 7। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें, क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र बर्बाद हो चुका है, अपने घमंड में पूरा देश बर्बाद कर दिए, अपने घमंड में अपने बच्चों को बर्बाद कर दिए। अरे संडे स्कूल में क्यों जाएं, बच्चे जाना मांगते हैं लेकिन हम क्यों जाएंगे संडे स्कूल में, हम तो अडल्ट हैं, हम तो बड़े हैं। अपने घर परिवार को, बच्चों को आपने अपने संडे स्कूल से महरूम रखा, दूर रखा, अपने संकोच की वजह से, अपने ईगो की वजह से। अरे हम 10 मिनट पहले चर्च कैसे चले जाएं, हम तो बिल्कुल वक्त वक्त पर पहुंचेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे अरे इनके तो खलियर हैं, इनके पास तो कोई वक्त नहीं है, कोई समय ही नहीं है, इनके पास तो समय ही समय है। अरे वक्त थोड़ा सा लेट जाएंगे तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, ऐसा मत करिए। फिरौन ने पूरे मिस्र को बर्बाद कर दिया, अपने राजमहल में रह रहे थे, खाना पीना मिल रहा था तो सोच रहे थे कि पूरा महल ठीक है। कर्मचारियों ने आके कहा कि अब तक तुझे मालूम नहीं कि इन 9 विपत्तियों ने पूरे मिस्र को तेरे बर्बाद करके रख दिया है, और तेरे हट की वजह से। पहली बार में अपना हट छोड़ दिए होते, संकोच छोड़ दिए होते, प्रभु के सामने समर्पित हो गए होते तो सारा मामला ठीक हो गया होता। आज प्रभु हमें यह संदेश देना चाहता है, छोड़ दीजिए, मत गिनिए कितनी विपत्तियां थी, कौन कौन विपत्तियां थी, आज केवल ये गिनिए कि प्रभु कहां कहां हमसे हट हो गया है, हम क्यों नहीं नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आ सकते, हम तेरे समीप आएंगे। लिखा है कि मेल बलि होम बलि से छोड़ करके उसके समीप आना ज्यादा उत्तम बात है, वो ज्यादा आशीष देगा। इजहाक जब बूढ़ा हो गया, आंखें अंधी हो गई, याकूब खाना लेकर के आया तो उसने कहा खाना होना एक तरफ रख दे, पहले तू मेरे पास आ, तेरा खाना तो हम खा ही लेंगे लेकिन तेरी सानिध्यता, तेरी नजदीकी, तेरा समर्पण हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज खुदा के और करीब हो जाइए और कहिए प्रभु मेरा कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई घमंड नहीं है, मैं दिल से हाथ उठाऊंगा, मैं घुटने पर जाऊंगा, मैं जोर से प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा, मैं हर समय हालेलुया बोलूंगा, जिसको जो समझना है समझे, मैं सभा के बीच में, लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, मुझको कोई संकोच नहीं है।
आप ये अन्य जातियों को देखिए, इनको कोई संकोच नहीं है प्रेज द लॉर्ड अपने भगवान और ईश्वर का नाम लेने में, और हम मसीही लोग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और जय मसीह की बोलने में संकोच करते हैं। लिखा है कि तुम मनुष्यों के सामने शर्माओगे तो मैं भी अपने पिता के सामने शर्मा जाऊंगा। हमारे प्रभु को भी शर्माना आता है, आप शर्माइए जितना शर्माना है, मत बताइए अपना फेथ, मत बताइए अपना स्टैंड, मत लीजिए अरे क्या कहेंगे, अरे हमारे बॉस क्या कहेंगे, अरे हमारे अधिकारी क्या कहेंगे, हमारे ये क्या कहेंगे। शद्रक और मेशक भी शर्मा सकते थे, डैनियल भी शर्मा सकता था, संकोच कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया। जब आप संकोच नहीं करते हैं तो आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं और लोगों के सामने मानने में आपको कोई बुराई नहीं है। आपको याद होगा पतरस संकोची बना हुआ था और उसको उसने इनकार कर दिया, ये संकोच ने उसको पतरस से इनकार करने वाला पतरस बना करके रख दिया। लेकिन मित्रों जब उसने इकरार किया और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर आई, वही पतरस खड़े होकर के ललकार करके उसने कहा अब संकोच खत्म हो गया। जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे में आ जाएगी हमको कोई संकोच नहीं होगा, कोई लिहाज नहीं होगा। खुदा के लिए क्या लिहाज है, वो हमारा बाप है, उसने हमको जर और जमीन सब दिया है, ये जीवन की श्वास उसी की वजह से चल रही है, क्या संकोच करेंगे। कई लोगों की सांसें हम लोग के देखते देखते बंद हो गई मित्रों, अच्छे अच्छे लोगों की सांसें हम लोग के सामने बंद हो गई। करते रहिए संकोच, एक दिन वो भी हमसे संकोच कर जाएगा, वो भी शर्मा जाएगा, बोलेगा आप क्या सांस दे तुमको, हमको शर्म आ रही है सांस देने में, खत्म करो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और प्रभु हम पर दया करें कि ये घमंड और ये संकोच कम से कम अपने प्रभु से तो ना करें, नम्र और दीन होकर के उसके चरणों में आकर के उसका धन्यवाद।